अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि हम फूड प्रोसेसर में कैसे आटा गूंथ सकते हैं। तो ये हमारा फूड प्रोसेसर है और हमने यहाँ पर 2 कप, इस कप से ये कप है, इससे हमने 2 कप आटा लिया है और ये पानी है और ये पानी है। अब इसको हम जार में डालेंगे। ये जार में हम आटा डाल लेंगे। अब ये पूरा आटा इसमें चला गया जार में। अब इसको हम एक जगह पर इसको ऐसे ये फिट कर देती, ये ऐसे करके। अब इस पर हम ढक्कन बंद करेंगे। ढक्कन को ये रखा और ये यहाँ पे ये लॉक हो गया। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये देखिए, ये एक नंबर पे स्लो चलाना है, ये आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया। अब हमको यहाँ से ये हमने जो ढक्कन बंद किया था, यहाँ पर ये बटन है, इसको ऐसे हम पुश करेंगे तो ये हमारा ढक्कन ये खुल जाएगा। तब ये हम बाउल जार को निकालेंगे इसमें से। ये देखिए, आटा गूंद करके इस तरह से हमारा आटा तैयार हो गया। ये ऐसे आटा तैयार हो गया और इसमें जो है इस कप से हमने पानी डाला, इससे 1.5 कप पानी, ये कप है, इससे 1 फुल पड़ा और 1 हाफ इतने आटे में। और ये हमारा आप इसको फुलका बनाएंगे। जैसे आपको ज़्यादा पराठे का आटा है, किसी चीज़ का पूरी का थोड़ा से वो टाइट होता है, तो उस हिसाब से आप पानी गूंथते टाइम देख लीजिए कि हमको कितना किस टाइप का आटा हमको चाहिए। देखिए, कुछ मिनट, मुश्किल से कुछ 1-2 मिनट लगा और आटा गूंद करके तैयार हो गया। अब इसकी रोटी बनाकर हम आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी इसकी रोटी बनती है। अब देखिए, इसके हम पेड़े बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा आटा गूंदा हुआ है। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। अभी हम रोटी बनाने जा रहे हैं। इस तरह से इसको हम बेलेंगे। देखिए कितना अच्छा आटा गूंधा हुआ है, रोटी कितनी अच्छी है, भी देखिएगा तैयार होगी। ये इधर हमने ये तवा रख दिया था, तवा हमारा गर्म हो चुका है। जब भी रोटी पकाएं तो ये ख्याल रखें कि तवा गर्म हो तभी डालें, नहीं तो रोटी कड़ी हो जाएगी। ऐसे मुलायम रोटी होती है।
इसको पलट देंगे। इसको इधर से सेकेंगे। देखिए कितनी अच्छी रोटी बनके तैयार हुई। इसी फूड प्रोसेसर से ही हम आटा गूंथते हैं। करीब 8-10 साल से हम इसका यूज। ये देखिए कितनी रोटी हमारी फूल रही है, बहुत अच्छी सी तैयार हो गई। ये देखिए रोटी बनकर तैयार हो गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दिया करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।